नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्ना लाल गार्डनर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रो बैग बनाने के लिए एक सही बोरी का चुनाव करें और दोस्तों उसका जो बॉटम पार्ट है पहले नाप लें। जैसे कि दोस्तों आप इसमें देख रहे हैं, मैंने एक डिब्बा लिया है और डिब्बे की सहायता से नाप लें। डिब्बा जैसे कि 27 इंच का था, उसका आधा ले लें, 13 इंच का ले लें दोस्तों। और जितनी इसकी लंबाई करना है, लंबाई इसकी हमने 12 इंच लिया है दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं निशान लगा लिया है बोरी पे। और साइड का भी 13 इंच ले लें, 13.5 इंच ले लें, आधा इंच जो है सिलाई में आ जाएगा, देख सकते हैं जैसे कि इस वीडियो में। और दोस्तों उसको आसानी के साथ काट लें, जो निशान लगा रखे हैं उसी निशान पर आराम से काट लें। जैसे कि आप इसे वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छा तरीका है ग्रो बैग बनाने का। देखिए इसको दोनों साइड से, इसको ये हमने ये काट लिया, यहाँ से ये जो निशान लगा रखे हैं इस निशान पे आराम से इसे काट लें। बहुत ही अच्छा तरीका है, इस तरीके से अगर बनाएंगे आप और पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत ही आसान तरीका है, आप ग्रो बैग बहुत अच्छे से बना सकते हैं दोस्तों। उसके बाद इसे काट लें अच्छे से, जैसे कि आप इसे वीडियो में देख रहे हैं दोनों इस बोरी में दोस्तों दो ग्रो बैग का हमने माप किया है और दो ग्रो बैग बहुत अच्छे बनेंगे इसमें। और ये बहुत अच्छा तरीका है, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ग्रो बैग बहुत अच्छे बनते हैं दोस्तों। ये दूसरा हमने ये साइड का ये यहाँ से काट लिया जो हमने मापा था, और ये निशान लगे हुए हैं, इस निशान से हमने ये काट लिया दोस्तों। ये देखिए ये खुल गया। और दोस्तों इसको अगर मापेंगे तो ये 27 इंच ही होगा, जो हमने बॉटम मापा था, बॉटम का माप किया था, बॉटम 27 इंच था, तो ये हमने 13 काटा था, तो अब ये पूरा 27 होगा। अब दोस्तों हमने जो बॉटम का है उसको काटेंगे राउंड शेप में, जैसे कि पहले हमने माप किया था बॉटम का, ये ऐसे गोल में ऐसे निशान लगा लें दोस्तों। बहुत ही अच्छा तरीका है, ऐसे आप इसको आसानी के साथ ये निशान लगा लें। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें हमें दो बॉटम का भी गोल शेप में काटना है, ये जो है ऐसे काट लें, दो बॉटम का हमने ये माप ले लिया है, ये ले रहे हैं जी। बहुत ही अच्छा ये तरीका है, इस तरीके को आप अपनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आप ग्रो बैग घर में ही बना लेंगे दोस्तों। मार्केट से ग्रो बैग जो ख़रीदते हैं वो बहुत महंगे आते हैं, लगभग 100 से 150 रुपये में आते हैं, और अपने घर में ही ऐसे बना लें तो कितना अच्छा है दोस्तों। ये राउंड शेप में इसको ऐसे काट लें, जैसे कि आप इसे वीडियो में देख रहे हैं, राउंड शेप में काटें, इसको अच्छे से काटें। थोड़ा सा दोस्तों क्या है, थोड़ा सा अगर जो आप माप लगाए हो अगर थोड़ा सा उससे बड़ा भी कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिलाई में ये आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं राउंड शेप से हल्का हल्का थोड़ा सा ये बड़ा ही काट रहे हैं हम, क्योंकि ये इसकी जब सिलाई होगी जब ये उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों राउंड शेप में ये हमने ये काट लिया है, ये जो इसका बॉटम है ये जो है कट गया है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं आप, ये कट गया है। और उसके बाद साइड में जो एक साइड खुला था उसकी सिलाई कर लें, जैसे कि दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं ये साइड साइड की, इसके एक साइड सिलाई कर लें, और ऊपर से जो ऊपरी हिस्सा है एक हिस्सा उसमें आधा इंच मोड़ कर भी सिलाई कर लें, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो में ऊपर भी सिल गया है, वैसे सिल लें इसको। ये देखिए दोस्तों हमारा एक ये तैयार हो गया है, ये राउंड शेप में ये तैयार हो गया। अब इसका जो बॉटम शेप है, बॉटम शेप लगा के ऐसे सिलाई कर लें, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरीके से आप इसको सिलाई कर लें ऐसे, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों। पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से अपने घर पे ही आप ये ग्रो बैग बना लेंगे।
में ऐसे सिलाई कर लें। देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके का अपनाएंगे तो बहुत अच्छा ग्रो बैग बना सकते हैं घर में ही दोस्तों। ऐसे इसकी सिलाई इसकी कर लें आसानी के साथ, जैसे कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये तरीका बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने घर में ही ग्रो बैग बन जाएगा दोस्तों। ऐसे इसकी सिलाई कर लें जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा एक ये बन गया है, और इसको दोस्तों उल्टा देखो सीधा कर लें दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ऐसे सीधा कर लें, जो सिलाई होगी वो अंदर चली जाएगी। और ये देखिए दोस्तों हमारा एक ग्रो बैग बन के तैयार हो गया है। कितना अच्छा ग्रो बैग बना है। और दोस्तों एक पेचकस गर्म कर लें और उसके ड्रेनेज होल पर छेद कर लें दोस्तों बॉटम में, ऐसे जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं। ऐसे इसमें एक छेद कर लें, ऐसे देख सकते हैं दो छेद करें दोस्तों, जो ड्रेनेज होल है उसमें एक्स्ट्रा पानी जो है आराम से निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों हमारा जो है ग्रो बैग बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है दोस्तों। देख सकते हैं बहुत अच्छा ग्रो बैग बन के तैयार है दोस्तों।